जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां एक मसीही मजलूम खानदान को शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी में घर के सामने पेशाब करने और बिला वजह खड़ा होने से मना करने पर मसीही खानदान को गरीब और लाचार होने की सजा दे दी गई। बा असर अफराद ने इन पर तशद्दुद किया, मारा पीटा, घर से घसीट कर बाहर निकाला और जुल्म व सितम के पहाड़ ढा दिए। रियासत मदीना में अकलियतों के साथ नारवा सलूक और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकया पाकिस्तान के आइन के मुनाफी हैं। सिर्फ घर के सामने खड़ा होने और दरवाजे के पास पेशाब करने से मना करने पर खातून को शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। जब इसका भाई नदीम इसको इन जालिमों से छुड़वाने आया तो बा असर अफराद ने नदीम पर भी बहमाना तशद्दुद किया और इसको कमी कमीन और चूड़ा कहकर मुखातब किया और कहा कि हम वडेरे हैं, तुम हमारे गुलाम हो, हम जो चाहे करेंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते। और साथ ही शदीद सर्दी के मौसम में इस खानदान को घर से भी निकाल दिया और कहा जितनी जल्दी हो सकता है नारंग मंडी को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। नदीम और उसके खानदान ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार, इंसानी हकूक व अकलियती अमूर एजाज आलम अगस्टियन, आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील करते हुए बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है।